So guys, welcome to Cyrus 32 channel, and this is Shailendra Vishwakarma. So guys, as you can know, we are in cell scripting series. So guys, आज भी मैं उस चीज़ को कंटिन्यू करने वाला हूँ सेल स्क्रिप्टिंग को ही, और उसमें आज हम लोग दूसरे टॉपिक पर बात करने वाले हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैं क्या बताया था वो मैं थोड़ा बता देता हूँ कि लास्ट वीडियो में मैंने एक प्रोजेक्ट करवाया था, बिल्कुल कैलकुलेटर का एकदम मिनी प्रोजेक्ट, इफ एल इफ स्टेटमेंट का यूज करके किस करवाया था। सो गाइस, अभी तक आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके देखो, और इससे पहले मैंने ऑलरेडी दो छोटे छोटे प्रोजेक्ट करवाया हूँ, ओके। और अगर फर्स्ट टाइम अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो तो जाके मेरे प्लेलिस्ट पे चले जाओ, और सेल स्क्रिप्टिंग के ट्यूटोरियल में आप वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएगा, नहीं तो फिर आप मेरे वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो। मैं वेबसाइट बता दे रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप या मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ इस तरीके से। यह आप जाओगे तो सेल स्क्रिप्टिंग में, तो आपको यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारा एक जगह मिल जाएगा, तो आप यहाँ से बिल्कुल हिंदी में है, ठीक है, आप इस चीज़ को यहाँ से देख सकते हो, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और चलो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले गाइस, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और अगर कहीं से कमेंट होता है तो क्वेरी होता है, क्वेश्चन आता है, प्रॉब्लम होता है, तो आप कमेंट में बताओ मुझे, और बाकी तो सारी चीज़ें अच्छी है, आप लाइक शेयर करो, कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, और विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया, विजुअल कोड, ठीक है। तो विजुअल कोड यहाँ पर मैंने ऑलरेडी case.sh के नाम से आज फाइल को सेव कर दिया हूँ, क्योंकि क्या है कि उसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, और बेसिकली हम लोग जो बात करने वाले हैं वो उसके बारे में देख लेते हैं, केस स्टेटमेंट होता क्या है, ठीक है, और इसका सिंटेक्स क्या है, कैसे यूज करते हैं, ठीक ना, और कहाँ पे यूज होता है केस स्टेटमेंट। चलो तो मैं इसको थोड़ा सा, हाँ ठीक है, तो बेसिकली देखो केस स्टेटमेंट का सिंटेक्स ये होता है, ठीक ना, और कहाँ पे यूज होता है। बेसिकली केस स्टेटमेंट का यूज हम लोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हम लोग पैटर्न मैचिंग कराना हो और चेक करना हो कि जो हमारा पैटर्न, उस पैटर्न से अगर कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, उस एक्सप्रेशन में हमारा वो अगर पैटर्न मैच करता है तो वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, वरना एक डिफॉल्ट कंडीशन होता है जिसको हम लोग वाइट कार्ड भी बोलते हैं, वहाँ उसको एग्जीक्यूट करता है। तो बेसिकली हम लोग पैटर्न, दिमाग में एक लाइन याद रखो, पैटर्न मैचिंग के लिए हम लोग केस स्टेटमेंट का यूज करते हैं, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इससे आप पता चल जाएगा कि क्या है नहीं है। सो देखो गाइज, बेसिकली यहाँ पे है क्या कि ये केस स्टेटमेंट, देखिए इस तरीके से सिंटेक्स आपको मिलेगा, ठीक है ना, केस से स्टार्ट होता है और एंडिंग हमारा इसेक्स होता है। तो चलो देखते हैं केस, उसके बाद हम लोग एक्सप्रेशन देते हैं। एक्सप्रेशन जैसे मान लेते हैं कोई वेरिएबल आपने लिया, ठीक है, तो वेरिएबल, उस वेरिएबल के अंदर वो पैटर्न हमारा मैच कर रहा है, देन हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट करेगा, अगर स्टेटमेंट पैटर्न मैच नहीं कर रहा है तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो जैसा कि एक्सप्रेशन इन, अगर ये पैटर्न मान लेते हैं ये पैटर्न वन है, और पैटर्न अगर हमारा जो स्क्रिप्ट है उससे मैच करेगा, ठीक है, यूजर इनपुट जो दिया उससे मैच करेगा, तो स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अगर अगर ये एग्जीक्यूट कर गया फिनिश, तो उसके बाद ये क्या करेगा, जो डबल सेमी कॉलम जो हमने लिया है वो इसको टर्मिनेट करेगा, फिनिश करता है, ठीक है। उसके बाद ये स्टेटमेंट टू के पास जाएगा, स्टेटमेंट टू अगर मैच किया तो ठीक है, एग्जीक्यूट करेगा, और नहीं मैच किया तो ये यहाँ से फिनिश करेगा सेमी कॉलम के साथ, और ये पैटर्न थ्री के पास जाएगा, ठीक है। और इस अगर किसी भी स्टेट पैटर्न को अगर मैच नहीं करता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर किसी भी पैटर्न को मैच नहीं करता है, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा यहाँ पे लिनक्स में इसको स्टिक्स बोलते हैं, या फिर स्टार भी आप बोल सकते हो, स्टिक्स ही टेक्निकल वर्ड हो गया, और अगर इसको हम लोग लिनक्स में वाइल्ड कार्ड भी बोलते हैं, ठीक है ना, तो वाइल्ड कार्ड का यूज करते हैं। तो अगर कोई पैटर्न मैच नहीं करता है तो जो वाइल्ड कार्ड क्या करता है, हमारा स्ट्रिंग को मैच कर, कोई पैटर्न नहीं मैच करेगा तो ये हमारा डिफॉल्ट जो कंडीशन रहेगा, वो कंडीशन में जो भी स्टेटमेंट हम देंगे उसको ये एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। तो चलो इसका यूज करके हम एक नॉर्मल सा प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक ना, तो ठीक है,
बेसिकली इसको हम क्या करते हैं, चलो ठीक है यहाँ तक तो सही है, केस स्टेटमेंट पूरे हटा देते हैं, मैं इसको चलो हटा दिया, ठीक है। अभी लिखते हैं, चलो एक मैं वेरिएबल लेके दिखाता हूँ। तो वेरिएबल में मान लेते हैं स्टूडेंट नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है, स्टूडेंट में मान लेते हैं स्टूडेंट को। यहाँ पे गाइज हम लोग आर्गुमेंट का यूज करने वाला है, ठीक है। एक्चुअली मैं आर्गुमेंट का वीडियो नहीं बनाया हूँ, और आर्गुमेंट कोई ये नहीं है, बड़ी टॉपिक नहीं है, छोटी टॉपिक है, ठीक है ना। आपको नॉर्मल इस वीडियो से भी समझ में आ जाएगा कि क्या आर्गुमेंट है, ठीक है। तो आर्गुमेंट का कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो एज अ फर्स्ट वेरिएबल, ठीक है, फर्स्ट जो हमारा आर्गुमेंट होगा वो इनपुट में अगर मान लेते डॉलर वन है, ठीक है, ठीक है, डॉलर वन ले लिया, वो इससे पैटर्न मैच कराएगा। तो अभी हम लोग लिखते हैं केस, उसके बाद एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं। तो एक्सप्रेशन में हमारा जो वेरिएबल का नाम होता है वो लिखते हैं, ठीक है। तो डॉलर और स्टूडेंट इन, उसके बाद पैटर्न वन, तो पैटर्न वन मैचिंग कराते हैं। तो पैटर्न हमारा कुछ भी हो सकता है, चलो यहाँ पे मैं किसी का नाम लेता हूँ, उस स्टूडेंट वेरिएबल में किसी का नाम हो सकता है। तो यहाँ पे इंटीजर नहीं है, इंटीजर टाइप नहीं है, स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग के लिए हम लोग इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। तो मैं सबसे फर्स्ट में लिख देता हूँ अपना नाम, ठीक है, शैलेंद्र, ठीक है, शैलेंद्र लिख लिया। उसके बाद हम लोग पैरेंथेसिस देते हैं, ठीक है, ये दिया, क्लोज किया इसको। उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं। तो स्टेटमेंट में हम लोग स्टेटमेंट लिखने के लिए इको कमांड का यूज करते हैं, इको, और यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले करवा दो, शैलेंद्र इज अ आईटी इंजीनियर, ठीक है, ये डिस्प्ले करवा दिया, चलो ठीक है। अगर आर्गुमेंट में हम लोग सैलेंडर देते हैं तो ये पैटर्न, जो पैटर्न वन जो हमने दिया उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए, वरना नहीं करेगा। उसके बाद हम लोग डबल सेमी कोलन लगाते हैं। तो सेमी कोलन आप एंड ऑफ स्टेटमेंट जो है हमारा मैसेज उस वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, नीचे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड आर्गुमेंट अब देते हैं, सेकेंड जो हमारा पैटर्न देते हैं, सॉरी पैटर्न, तो उसमें मान लेते हैं राहुल ले लिया मैंने, ठीक है, और इसको क्लोज किया, चलो, और इसको मैसेज प्रिंट करवाते हैं, इको राहुल इज अ मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सेमीकोलन करेंगे, एंड देन एक और ले लेते हैं, इस तरीके से आप ले सकते हो, कितना भी पैटर्न ले सकता हो, ठीक है। रमन ले लेता हूँ, रमन, ठीक है, और इसको क्या करते हैं, हाँ, क्लोज करना है, और देन इको रमन, रमन इज अ सिविल इंजीनियर, इस तरीके से आप कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद फाइनली अगर हम लोग इसको एक वाइल्ड कार्ड के थ्रू खत्म करते हैं, तो वाइल्ड कार्ड के लिए हम लोग ये लेते हैं स्टिक्स, और डिफॉल्ट हम लोग क्या देते हैं, डिफॉल्ट में कुछ भी मैसेज प्रिंट करवा दो आप इको, चलो मैं प्रिंट करवा देता हूँ जो भी मैसेज दिया, ही इज नॉट अ इंजीनियर, Not an engineer, ठीक है, और चलो खत्म करते हैं। और लास्ट जो हमारा, जैसे इफ के लिए हम लोग लास्ट एंडिंग के लिए आई एफ को इस्तेमाल करते हैं, उसी यहाँ केस स्टेटमेंट के लिए ई एस इसे करते हैं, ई एस एस सी, ठीक है, और कंट्रोल एस से सेव किया। और अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, एरेस्ट करके देखते हैं, और हमारा case.sh नाम का ये फाइल पड़ा हुआ है, और एग्जीक्यूट करते हैं। तो case.sh एग्जीक्यूट किया। सो गाइस देख रहे हैं, अभी हमने आर्गुमेंट, कोई भी आर्गुमेंट नहीं दिया, तो क्या हुआ, ही इज नॉट ए इंजीनियर मैसेज प्रिंट किया, जो कि वाइल्ड कार्ड वाला डिफॉल्ट जो हमारा मैसेज है वो प्रिंट कर दिया है, ठीक है, डिफॉल्ट स्टेटमेंट को इसने एग्जीक्यूट कर दिया। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, केस स्टेटमेंट लिया, उसके बाद एक आर्गुमेंट देते हैं और पैटर्न मैच कराते हैं, ठीक है। तो शैलेंद्र दिया, ठीक है, तो अभी शैलेंद्र दिया तो क्या लिख रहा है,
हमारा यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही प्रिंट किया साइलेंट रिजा आईटी इंजीनियर। ठीक है, चलो इस तरीके से आप किस स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, किस स्टेटमेंट का बहुत सारा यूज है, ठीक ना। तो मैं वो पॉसिबल धीरे धीरे वीडियो में बताऊंगा और भी जितना वीडियो हो सके। ठीक है, चलो एक बार और एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं। और यहाँ पे अभी हम लोग राहुल लेते हैं एज ए आर्गुमेंट। ठीक है, तो राहुल लिया तो गाइस यहाँ पे कुछ एरर मिलेगा आपको। ठीक है, एरर क्या मिला कि जो राहुल एज ए आर्गुमेंट लिए हैं, ठीक है, लेकिन ही इज नॉट एन इंजीनियर प्रिंट कर रहा है, क्योंकि गलत प्रिंट कर रहा है। क्योंकि गलत इसलिए प्रिंट कर रहा है गाइस, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारा लिनक्स होता है वो केस सेंसिटिव होता है। ठीक है ना, जैसा आप कमांड रहता है वही कमांड आपको डालना होगा, नहीं तो वो उस चीज को नहीं प्रिंट करता है। ठीक है, नहीं सही आउटपुट मिलेगा आपको। ठीक है, तो बेसिकली रमन राहुल में कैपिटल आर है, तो आपका आपको कैपिटल आर ही लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे राहुल जो मैकेनिकल इंजीनियर प्रिंट कर रहा है। ओके, इस तरीके से आप प्रिंट करवा सकते हो। ठीक ना, तो ये हमारा बेसिक था केस स्टेटमेंट का। आई थिंक मुझे लगता है आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा सारी चीज। ठीक है, अगर कहीं से प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।